हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। पहले दो बार सेम वीडियो को अपलोड किया, पर मे भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम या कुछ था जिसके कारण वो सही से हो नहीं पा रहा था। ठीक है, तो खैर इस लेक्चर में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर भी मैंने दिखाया था और सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं पूछा था। ठीक है, नेट 2019 में सिर्फ एक क्वेश्चन था, वो एक्सपेक्टेड तो नहीं था पर पूछ दिया आर्टिफिशियल किडनी से। और एक क्वेश्चन मैं बोलूँगा जो कि बता दिया था, आई पढ़ लेना, आई से आएगा, बट वो आउट ऑफ एनसीईआरटी चला गया। तो ये दो क्वेश्चन सिर्फ था, मतलब कि थोड़ा सा लेवल था। ठीक है, बट अगर सही से पढ़े रहते तो ये भी बन जाता। तो चलो फिर से वही देखता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नोट्स डिस्क्रिप्शन लिस्ट में चले जाना, नोट्स मिल जाएगा, पर पूरा सुन लो। ठीक है ना, क्योंकि नोट्स देखो मेरी राइटिंग समझ सकते हो कैसी है। ठीक है, तो वो आपसे होगा नहीं। अगर पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ पाते हो तो एनसीईआरटी को अपने साथ में रखना। कुछ चीज़ें एनसीईआरटी के बाहर भी मिलेगी, कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में मिलेगी। ठीक है, तो उन चीज़ों को समझने के लिए एनसीईआरटी साथ में रखना। पहले हम लोग पूरा इम्पोर्टेंट देखेंगे। इम्पोर्टेंट देखने के बाद एक डाउट था, वो था ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में बताने के लिए। एक मंथ हो चुका है ये डाउट पूछे हुए, तो लग जाता है टाइम मुझे। ऐसा नहीं है देखता सारा कुछ हूँ, ठीक ना, बट टाइम नहीं हो पाता। एक क्वेश्चन बताना था आपको जो कि उधर नहीं लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा देख लेना। रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे दिया। और दो है, बोर्स इफेक्ट और हेल्डेन इफेक्ट, बोर्स इफेक्ट और हेल्डेन इफेक्ट, थोड़ा देख लेना। ठीक ना, डला हुआ है नोट्स में मेरा, डला हुआ है इंडिविजुअली। चैप्टर आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा तो मिल जाएगा उसमें। चलो फटाफट ऊपर से देखते हैं। हाइपर से एक पेज लेना, जैसे ये पेज है A4 साइज का पेज, इसमें लिख लेना सारा कुछ। हाइपर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, फ्लोटिंग रिप्स, न्यूरोट्रांसमीटर, इंडोक्राइन ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, फंक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल, मोटर सेल, स्पाइनल कॉर्ड, यूरिन इज एसिडिक ड्यू टू H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो यूरिन एसिडिक होगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन फ्रॉम डाइजेशन, जितना भी एनसीईआरटी के पीछे ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्वेश्चन दिए हुए हैं सारा कर जाना है। तीन क्वेश्चन डिजीज रिलेटेड आएगा, बार बार बोलता हूँ, तो पूरा का पूरा डिजीज़ दिया हुआ है एनसीईआरटी के पीछे में, पूरा डिजीज़ कर जाना है। एनसीईआरटी के पीछे में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं सारा कर जाना। हार्मोन्स एल्डोस्टेरोन, ग्लूकागोन, इंसुलिन, कोर्टिजोन। ठीक है, पिछले बार भी बताया था, ये डला हुआ है लेक्चर, कुछ मतलब ये करने का नहीं है। ह्यूमन फिजियोलॉजी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करके सर्च कर लो, मिल जाएगा आप लोग को। एल्डोस्टेरोन, ग्लूकागोन, इंसुलिन, कोर्टिजोन, डबल सर्कुलेशन डिजीज रिलेटेड, चैप्टर 17, 18, 20, जो पहले मैंने बोला, जितना भी एनसीईआरटी में डिजीज दिया हुआ है सारा पढ़ लेना। साउंड और स्ट्रोक वॉल्यूम देख लेना। ठीक है, यहाँ स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं लिखा, मिल जाएगा वहाँ पे, देख लेना। मास्टर ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी फंक्शन देख लेना, एंटीडायुरेटिक हार्मोन, LH, प्रोलैक्टिन, मेलानोसाइट, फाइब्रस जॉइंट, जॉइंट्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। आई रिलेटेड क्वेश्चन बार बार बताता हूँ आएगा, ईयर नोज नहीं आएगा, नोज मत पढ़ना, पढ़ लेना पर नोज नहीं पूछेगा। डेंटिशन, सेलाइवा, ठीक है, सेलाइवा 2020। पेज नंबर 338, लास्ट पेज ऑफ एनसीईआरटी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक टेबल बना हुआ है उस टेबल को देख लेना। थायरॉइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, एक्टिन ऑफ मायोसिन, कैल्शियम +++, 2016 का पेपर का क्वेश्चन है। ब्लड प्लाज्मा, टाइप्स ऑफ ब्लड, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ठीक है, AB O, सारा कुछ देख लेना। पेरेंटल रिएक्शन करते हैं तो कैसे क्या होता है, न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। सीरम डू नॉट क्लोट, क्लोटिंग फैक्टर समझ में आ रहा ना, पैराथायरॉयड हार्मोन और आप लोगों का विटामिन के। RV एंड कैपेसिटी, ये RV है, ठीक है, रेसिड्यूअल वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, रेसिड्यूअल कैपेसिटी जितना भी दिया हुआ है सारा देख लेना लंग्स वाले चैप्टर से। PCT, DCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, रीनल ट्यूबुल, पूरा देख लेना, कलेक्टिंग डक्ट जो भी वहाँ पे। लंग्स डू नॉट कॉलेप्स, क्यों नहीं कॉलेप्स करता है। आर्टेरियल नाइट्रेटिक फैक्टर, ADN, ADH, एंटीडायुरेटिक हार्मोन, रेनिन, AKN है,
ब्लड मूवमेंट, बॉडी हार्ट और हार्ट से बॉडी, आरबीसी फॉर्मेशन और रिलेटेड क्वेश्चन, जॉइंट मसल कॉन्ट्रेक्शन, पीएच रिलेशन, ग्राफ रिस्पिरेशन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इंसुलिन ग्लूकागन से क्वेश्चन, कैल्सिटेशन, पैराथायरॉयड हार्मोन, एल्डोस्टेरोन, आर्टेरियल नेट्रोटिक फैक्टर, एक्सक्रेटरी मोड, हेपाटिक वेन, बाइल जूस, ड्यूओडेनम, स्पिंचर ऑफ ओडी, लास्ट पेज ऑफ एनसीईआरटी, पोस्टीरियर ऑफ और एंटीरियर पिट्यूटरी, गैस्ट्रिक एसिड, इनेबिन, ऑप्शन एंड रेटिनोल। अब आ जाते हैं यहाँ पे डिजीज था जो आपका डाउट था। डिजीज में देख लो, ल्यूपस, जे एन सबसे फेटल होता है, कोलेकिया, टाइप 1 डायबिटीज, आईबीडी, रिमाटोइड आर्थराइटिस, सोरोसियासिस, विटिलिगो। ठीक है, थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।